हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुपर टेट मैथ्स क्लासेस से पार्ट 7, और इसमें हम लोग पार्ट 6 में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप जरूर देखना जाके उनको। पार्ट 6 जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें लगभग में क्वेश्चन डिस्कस हुआ होगा वो 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका हुआ परसेंटेज से। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज से पार्ट 7, जो आधारित होगा संख्याओं पर। जो संख्याओं पर कुछ बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग परसेंटेज में भी आ जाते हैं, अनुपात समानुपात में आ जाते हैं। जो भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर लेंगे, और ये सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है। साथ ही साथ उनको भी बता दें जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता है उनके लिए भी है, सुपर टेट है, लेकिन परसेंटेज जो है तो वो तो सभी के लिए इक्वल रहेगा ना। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अरे किसी संख्या, जब कभी भी ऐसी बात आए किसी संख्या, तो हम लोग यहाँ पर जैसे मान लेते हैं संख्या को यक्स, वो संख्या थी, और अगर आप इसको 25% कम करोगे तो ये 75% रह जाएगी। परसेंट हटा के हम लोग 100 लगा सकते हैं, और 25% कम करने पर कितनी हो जाती है, 225 प्राप्त होता है। तो हम लोग बराबर लिख लेंगे 225। बस यहां से 25 3 75, और 25 नेमा होता है 225, 3 1 3 और 3 3 9। अब यक्स बराबर आप देख रहे हैं 300 आ गया, यानी कि वो संख्या कितनी थी, 300 थी। आगे देखो कह रहे हैं कि उसमें से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। अभी आपके पास 300 है और आप चाहते हैं कि 375 हो जाए, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? आपको समझ में आ रहा होगा वृद्धि जो करनी पड़ेगी वो 75 की, और फिर कितने पर, 300 पर। ठीक है, गुणे में क्या लगाओगे, 100% के लिए। 1 2 0 ये कट जाएगा, 1 2 0 ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 2 6 बचे 1 3 5 15, यानी कि जो आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी वो 25% की करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो बढ़ोतरी या कमी जो भी होती है वो प्रारंभिक मान पर ही होती है लगभग में। ठीक है, या जिस जैसे हमको 300 था, 375 बनाना है, तो बढ़ोतरी जो होगी वो 300 पर होगी, 375 पर थोड़ी होगी। 375 से हमको आगे थोड़ी जाना है, 375 पर ही रुक जाना है। तो बढ़ोतरी किस पर करोगे, 300 पर करोगे। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखो क्या कह रहे हैं कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मानी, जो 80 से 20% अधिक है। जो क्या है, 80 से 20% अधिक है। तो अगर 80 से 20% अधिक करोगे तो 120/100, 2 0 यहां से काट देंगे तो 12 8 96, यानी कि वो संख्या क्या है, 96 है। यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि वह संख्या एक्स है और जो 80 से 20% अधिक है, यानी कि 120/100, 2 0 12 8 96, राइट आंसर डी हो जाएगा। और इतना छोटा सा क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया, एसएससी ने पूछ लिया, 12 में पूछा है, बहुत पहले पूछा है, अब नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है। अब ये दो संख्या, एक एक्स मान लो एक वाई मान लो, और ये बराबर जो है आपका 520 है। ओके, फिर आपसे कह रहे हैं यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। बड़ी संख्या यहाँ पर एक्स मान लो, और एक्स को 4% कम कर दोगे तो 96% बचेगी, परसेंट आगे 100 लगा सकते हैं। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या को हम लोग वाई मान सकते हैं, और इसको अगर 12% बढ़ा दोगे तो 112/100 हो जाएगी, बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। तो बस प्राप्त संख्या एक समान होगी, बराबर लगा दो, 2 0 यहाँ से 2 0 ये कट जाएंगे। अब इसको काट लेते हैं हम लोग कितने से, 12 से तो कटेगा नहीं, 16 से काट दो, 16 85 16 6 96, और 16 7 112। ठीक है, तो यहां पर आ गया 6x/7y। अब आपको क्या चाहिए, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। देखो छोटी संख्या बतानी है हमको, x का मान कितना है, 7 है, भाई x बड़ा था। y का मान कितना है, 6 है। यहां से ये चीज समझ लेना, जो लोग गलती करते हैं वो 6x/7y समझ लेते हैं तो फिर ये समझते हैं कि x की वैल्यू 6 है, वो गलती ना करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऐसा नहीं होता है, बराबर के वैल्यू इधर उधर होती हैं। x का मान ये आएगा और y का मान ये आएगा, तो x का मान है 7, y का मान है 6। हमें बतानी है उनमें से छोटी संख्या कौन है, और वो संख्याएं जो है उन दोनों का योग जो कितना था, वो 520 था। हमने देखा यहाँ पर योग 520 है। एक संख्या है x बराबर कितनी है, 7, y बराबर है 6। x बराबर है 7 और y बराबर 6, अगर दोनों को जोड़ लें तो 7 6 13 होता है। तो
तो हम लोग यहाँ x प्लस वाई 13 बराबर 520, 13 चक्कू 52, 1 बराबर 40। 1 बराबर 40 छोटी संख्या पूछी गई आपसे, तो छोटी है 6, यानी कि अगर 1 40 को बताएगा तो 6 कितने को बताएगा, 6 चौक 24 240 को बताएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी 240। अगर बड़ी पूछते तो 7 चौक 28, फिर हो जाती 280। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, आपको 520 मिल जाएगा। सिंपल सी बात हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/7 का 2/7 का 3/5 150 है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो कभी भी का मतलब होता है वो मतलब गुणा होता है, तो वो एक संख्या का, वो एक संख्या हम लोग क्या x का कितना 3/7 का मतलब गुणा 2/3 का मतलब गुणा 3/5 कितना है बराबर में 150। देखो का 3/5 150 है, 150 है मतलब बराबर में वैल्यू है, ठीक है। तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा, पहले तो वो संख्या तो निकाल लें हम लोग, तो चलिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब कितना कट रहा है हमारा, तो ये देखो और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यक्स अच्छा ये 3 से काटे 3 एक कम 3 3 5 15, ये 50 आ जाएगा। 2 से हम लोग यहाँ काट सकते हैं, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर आपका बनेगा ये 25 और गुणे में 5 गुणे में 7, यक्स बराबर जो बनेगा जाके वो 25 गुणे में 5 गुणे में 7। भैया ये 5 और ये 7 जो है ये ऐसे कैची गुणा होके जाएगी, ठीक है। अब वो संख्या जो है ये है 25 गुणे 5 गुणे 7, चाहे तो गुणा करा के लिख लो और चाहे तो अभी ऐसे रहने दो, क्योंकि अभी 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 हमें क्या करना है, इसका 60% निकालना है। तदनुसार उस संख्या का 60%, अब ये जो संख्या निकल के आई है इसका हमें 60% निकालना है, तो भाई 60% इसका निकाल ले, परसेंट आके 100 लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ 25 से कम 25 25 से कुछ 100, और 4 से हम लोग इसको काट देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 15 गुणे 5 15 अपना 75, और ये वाले 7, तो 7 25 35 के 5 हासिल लग गए 3, 7 49 और 3 52, 525 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर। आप गुणा करने को तो भी कैसे भी कर लेते भाई, 0 0 काट लेते, 5 से काट लेते, कैसे भी कर लेते, बात तो एक ही है ना, कैसे भी कर लो आएगा उतना ही है, किधर से भी कान पकड़ लो गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 75% 75 जोड़ दिया जाए। देखो एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। करें कि एक संख्या जो है वो हम लोग x मानते हैं, एक संख्या x, और एक संख्या के 75% में, तो भैया एक संख्या और इसके 75% आगे 100 लगा सकते हैं, 75% में 75 जोड़ दो, भैया इसमें लो भैया 75 जोड़ दिया। करें योगफल उस संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो योगफल है यानी दोनों का योगफल है ये, वो जो संख्या थी x ये उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समझे, 25 थी यहाँ 75 और 25 जो 100, हम लोग कहेंगे 75 बराबर x। अब देखो 75 यही रहा, x यही रहा, अब ये x गुणे ये वाली वैल्यू बराबरी गुजर जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी 3x/4, क्योंकि 3 ये और ये 3x/4। अब यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो भाई, 75 को तो ऐसे रहने दो, 4 एकम 4 में से माइनस के 3 जाएंगे, बचेगा कितना x और बटे में 4, 75 चौकू करना है 300 हो जाएगा। देखो 75 में कितना है, 75 में कितना ऐसे गुणा कर लो, 5 चक्कू 20 के 0 और 4 से 28 और 2 30, x बराबर 300। अभी हमें माइंड चल गया था कि भाई यहाँ 25 थी यहाँ 75 होता है, 25 चक्कू 100 और 3 गुणे 100 300 हो जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 300। तदनुसार वह संख्या कितनी है 300 है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, 320 के 10% में, 320 के 10% में यानी कि 320 के 10% आके 100 लगा सकते हैं, कितनी संख्या जोड़ी जाए भाई, x संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल, करें कि योगफल जो है वो, योगफल जो है वो 230 के 30% हो जाए, 230 का 30% हो जाए, परसेंट आके 100 लगाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही कि 320 के 10% में, भाई 320 का 10% कर दिया, करें कितनी संख्या जोड़ी जाए, हमने कहा x जोड़ दो, करें जो अब जो तुम्हें इन दोनों का जो योगफल प्राप्त होगा वो 230 के 30% के बराबर होगा, तो भैया 230 के 30% के बराबर कर लिया हमने, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू, यहाँ 1 2 0 ये कट गए, तो यहाँ पर बचा 32 प्लस x, अब देखो 1 2 0 ये कट गए, 23 यहाँ होता है 69,
यक्स बराबर आ जाएगा 69 माइनस 32, तो 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहां पर x बराबर आ गया 37। वो संख्या कौन सी जोड़ी जाए, 37 है कोई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार जो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपको संख्याओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से, तो आप देख रहे हैं इसमें परसेंटेज का भी यूज हो रहा है और संख्याओं का भी यूज हो रहा है, तो संख्याओं परसेंटेज का मिलाकर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुणा भाग का, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज कहेगा वैसे ही करते जाना है, जैसे ये कहता गया वो हम करते गए, बस आपको आंसर करता चला। एक लाइन में एक बात कह देगा, जब कभी भी लगे तुम बराबर है तो बराबर कैसे महसूस कर पाओगे, देखो इन्होंने कहा कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए, तो ये एक बात हो गई। करें अब की जो प्राप्त होगा यानी कि योग जो है 330 के बराबर, बस इसको हमको बराबर कर देना था। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा कर दें, भाई ये एक संख्या है एक्स, और उसके 25% से गुणा कर दो, भाई किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी जो है सही से समझनी है आपको, ठीक है। तो देखो, यदि किसी संख्या को, वही संख्या x है, उसके यानी कि उसके किसके संख्या के 25% से गुणा करने पर, यानी कि संख्या है x और इसके 25% से गुणा कर दिया, भाई ये देखो हमने गुणा कर दिया, गुणा करने पर मिलने वाली, कहने मिलने वाली तो तुरंत बराबर लगा, मिलने वाली संख्या उस संख्या से, उस संख्या कौन से x से कितने 200% अधिक है, या 200 को जब हम 100 में जोड़ेंगे तो 300% हो जाएगा। परसेंट आके हम लोग 100 लगा सकते हैं, ये 0 0 काट सकते हैं, अब ये x x भी कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा है x गुणे 25% हटा के हम लोग यहाँ 100 लगा सकते हैं, 25 चक्कू 100, और बराबर में कितना था 3, तो ये 4 3 12, यानी कि x बराबर कितना 12, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी थी, 12 थी, बस। तो देख रहे हैं आप, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वही कहा गया, कह रहे हैं कि ये किसी संख्या को उसके 25%, उसके मतलब समझना किसके, कि भैया संख्या के, अगर केवल x होता तो x x कट जाता, डाटा पर्याप्त हो जाता, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, भाई x संख्या थी और उसके किसके संख्या के 25%, तो संख्या का 25% गुणा करने पर प्राप्त, यानी कि प्राप्त मतलब बराबर, उस संख्या के 200% अधिक, अगर 20% अधिक होता जब हम लोग 100 में जोड़ते हैं तो 120 हो जाता, 40% अधिक तो 140 हो जाता, अगर 200% अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे 300% हो जाएगा, परसेंट आके 100, बाकी सॉल्व कर लिया। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यदि 120 एक संख्या का 20% हो, ठीक है, अरे जो 120 है ये एक संख्या का 120 एक संख्या का 20% है, तो वो संख्या भाई x है और x का 20% है, 20% परसेंट आके 100 लगा दिया और ये जो है 120 है, ऐसा उन्होंने सवाल में कहा है कि जो 120 है वो एक संख्या के 20% है, तो वो संख्या हमने x मानी और x का 20% बराबर 120 है। तो अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी काट लो, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 6 12, तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणे 100 600, यानी कि वो संख्या कितनी है 600 है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा भैया, 120% अगर हम इसका निकालेंगे, परसेंट आके 100 लगाएंगे, 2 0 यहाँ से काट देंगे, ठीक है, 62 72 और 1 0 720, 62 72 और ये वाला 0 720 है, राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो देख रहे हैं आप लोग, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल कुछ लोगों को ये समझ नहीं आते थे तो हमें तो पूरा चैप्टर लेकर चलना है, वो तो पढ़ाना ही है। तीन संख्याओं में, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है। तो देखो यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जब कभी भी ऐसा नाम आ जाए, तीन संख्याएं या रामू श्यामू और गजोदर जो भी नाम आ जाए, तीन लोगों के नाम आए, तो आपको तीन ऐसा बना लेना है, ठीक है। तो यहां पर तीन संख्या है, तो तीन हमने बना ली संख्या है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः तीस परसेंट और 37% कम है, तो तीसरी संख्या हम लोग 100 मान लेंगे, और जो तीन संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या क्रमशः संख्याओं से क्रमशः 30% और 37% कम है, ठीक है। तो कौन कम है, पहली तथा दूसरी संख्या कम है, 30% कम है, तो ये कितना है भाई 70 हो गई, और दूसरी संख्या कितनी कम है 37%, अगर 37% कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई 63 हो जाएगी,
ठीक। अगर ये हमने तीसरी संख्या 100 मानी है, और जो तीसरी संख्या, तीन संख्या में जो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या है वो तीसरी से कम है, तो तीसरी हमने 100 मान ली, ठीक है। और तीसरी से कम है कितनी, क्रमशः 30% और 70%, यानी कि अगर ये 30% कम है और ये 37% है, वो 63 है। फिर देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या कौन है, ये 63। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, दूसरी संख्या जो है पहली की तुलना में कितना कम है, तो देखो दूसरी संख्या 63 है और पहली 70 है, तो कितना कम है, तो 7 कम है। कितने से कम है ये चीज समझ लेना है, कम है कितने से कम है, देखो तुलना में, पहली की तुलना में कितना कम, पहली की तुलना में, तो पहला अपना यहां पर 70 आएगा, गुणे में क्या लगाएंगे, 100। पहली की तुलना में कम है, किससे कम है, 70 से कम है, ये चीज समझ लेना है आपको। 7 से 7 कटा, 0 0 कटा, राइट आंसर आ जाएगा 10%। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहां पर समझाएंगे, का केस और से का केस, दो केस आपको हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे अभी। अब अगर हमने पूछा 2 3 का कितना प्रतिशत है, बड़ा छोटा सवाल, बड़े अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं, 2 3 का कितना परसेंट है, तो देखो 2 3 का कितना परसेंट, तो जिसका कहा जाएंगे उसको हम लोग बटे में रखेंगे, जो 2 है वो 3 का, तो 3 को बटे में रखेंगे, गुणे में लगाएंगे 100, 200/3 यानी कि 66 सही 2/3% आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 200/3 भाग करेंगे तो 66 सही। देखो जिस जिसके साथ में का लगा होता है उसको लोग बटे में रखते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा 1 घंटा 5 मिनट का कितना प्रतिशत है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो जिसके साथ में का लगा जाएगा उसको हम लोग बटे में रखेंगे, तो 1 घंटा 5 मिनट का, तो 1 घंटा 5 मिनट का, तो 1 घंटा 5 मिनट का, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 5 मिनट का, तो देखो यूनिट भी सेम करनी है आपको, ये नहीं 1 घंटा ऊपर और 5 मिनट का, 5 मिनट के साथ में का लगे, 5 यहाँ गुणे में लगा दिए 100, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया यूनिट तो सेम करो, एक जैसी तो पोशाक है सबकी हो, 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट लिखेंगे, 5 मिनट का, तो 60 ऊपर रहेंगे और 5 मिनट का है तो 5 नीचे लिखेंगे, गुणे में लगाएंगे 100, 5 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 12, 12 × 100 हो जाएगा 1200, राइट आंसर हो जाएगा 1200%। और ये क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट गलत करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि 1 घंटा 5 मिनट का, तो 5 मिनट ऊपर लिख लेंगे और 1 घंटे को वो मिनट में भी बना लेंगे, 60 मिनट लिख देंगे, गुणे लगा देंगे 100, 5 से काट देंगे, 5 × 12, और 12 को जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है 8 सही 1/3 अपना राइट आंसर कर लेंगे, 4 से काट देंगे, 4 × 3 = 12, और यहाँ पर 25, 8 सही 1/3% राइट आंसर कर लेंगे, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो 1200% है। तो इसका मतलब का मतलब समझ रहे हैं कि का जिसके साथ में लिखा होता है, जैसे हम लोग और लिख लेते हैं 2 किलोग्राम का, और हम लोग समझ लेते हैं कि 2 किलोग्राम का, ठीक है, ध्यान से समझना, 1 मिनट, 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है, देखो 2 किलोग्राम का, अब की बार में जो का लगा है वो 2 किलोग्राम के साथ में लिखा है और ये 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, और 2 किलोग्राम में जो ग्राम होंगे वो 2000 ग्राम होंगे, गुणे में लगाएंगे 100, 2 0 तो यहाँ से कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 25% राइट आंसर हो जाएगा। तो का से बहुत अच्छे सवाल उठते हैं, कई बार उठते हैं, और एक केस होता है से, तो से वाला केस समझ लीजिए, जिसमें कहा 2 3 से, 2 3 से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या 2 3 से कम है, तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो 3 से कम है, कितना कम है, 1, और ये चीज समझ लिया, जिसके साथ में से लगा होता है उसको हम लोग बटे में रखते हैं, तो कितने से कम है, 3 से, तो 3 को बटे में गुणे में लगाएंगे 100, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सही 3% राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपसे आएगा 200 से 300 कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, 200 से 300 कितने परसेंट अधिक है, तो अब ये चेक करो क्या 200 से 300 अधिक है, हाँ भाई 300 अधिक है, कितना अधिक है, 100 अधिक है, कितने से अधिक है, तो जिसके साथ में से लगा होगा उसको रखेंगे, तो 200 से गुणे में लगाओगे 100, ये 2 0 तो ये कट देगा, 2 से काटोगे तो 50% अधिक है। तो ऐसे करके हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम यहीं पर ये क्वेश्चन आपसे था कि दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना परसेंट कम है, में एक जगह से आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो दो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, आप इनको समझना, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंट जरूर मिली होगी, जो सुपर टेट के स्टूडेंट हैं जिनको मैथ समझ नहीं आता है, बिल्कुल उनको समझ में आ रहा होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने सभी साथी के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे इस लेक्चर को। थोड़ा सा हाईवे क्लासेस का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हाईवे क्लासेस आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ आपको चीज़ें बेहतर करना चाहता है, इसलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है हाईवे क्लासेस को। थोड़ा आप सपोर्ट करें, आपसे निवेदन है सभी लोगों से। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।